आज का डिक्टेशन अस्सी शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा पांच सेकंड बाद स्टार्ट अध्यक्ष महोदय दल बदल विरोधी कानून से संबंधित बिल जल्द ही संसद में लाया जाएगा सरकार इस बिल के बारे में विरोधी दलों और संबंधित संस्थाओं से विस्तार से विचार विमर्श और बातचीत कर रही है जब नई सरकार बनी तो उसने इस दिशा में सबसे पहला कदम दल बदल विरोधी कानून बनाकर उठाया जैसा कि आप जानते हैं कि दल बदल की प्रवृत्ति हमारी राजनीति में एक बीमारी बन गई है इससे कोई भी दल अछूता नहीं रहा है मतदाताओं को दल बदल के द्वारा समय समय पर धोखा दिया जाता रहा है मतदाता यह सब देखता रहता है लेकिन कर कुछ भी नहीं सकता दल बदल विरोधी कानून लाकर सरकार पूरा प्रयत्न करेगी कि लोकतंत्र को स्वच्छ स्वस्थ और मजबूत बनाया जाए महोदय सबसे पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यह कानून किसी भी तरह की राजनीतिक लाभ के लिए नहीं है इसका राजनीतिक लाभ बिल्कुल नहीं उठाया जाना चाहिए कुछ लोगों में इस बारे में आज भी संदेह है लेकिन मैं चाहता हूं कि वे अपने मन से संदेह को हटा दें हो सकता है कि इस कानून में कुछ कमियां रह गई हों इन कमियों को आपस में विचार विमर्श द्वारा दूर किया जा सकता है यह खुशी की बात है कि आज सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल सभी चाहते हैं कि दल बदल विरोधी कानून पूरी तरह से प्रभावित बने और इसका निष्ठा से पालन हो एक अन्य सदस्य ने कहा था कि देश के वर्तमान राजनीतिक ढांचे के लिए दल बदल का खेल हमारी राजनीतिक मान्यताओं को कमजोर करता जा रहा है अतः है इस कानून को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए इसमें शक नहीं है कि दल बदल विरोधी कानून का सभी जगह स्वागत हुआ है लेकिन यह आवश्यक नहीं कि यह कानून इस दिशा में पूर्ण रूप से दोष मुक्त हो समय और परिस्थिति के अनुसार इसमें परिवर्तन लाना अनिवार्य है कभी कोई चीज स्थायी नहीं रहती एक अन्य सदस्य ने कुछ दिन पूर्व सदन में इस संबंध में जो विचार व्यक्त किए थे वे भी विचारणीय है अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस कानून को अधिकाधिक प्रभावी बनाने के लिए सभी दलों की एक बैठक बुलाई जाए ताकि इस प्रश्न पर विस्तार से विचार किया जाए अध्यक्ष महोदय जिस भावना से मैंने यह बिल पेश किया है उसको विरोधी पक्ष के लगभग सभी सदस्यों ने एक मत से महसूस किया है कि देश में बेकारी की जो समस्या है वह एक भयंकर समस्या है और उसके कारण हमारे देश का विकास चाहे वह सामाजिक हो आर्थिक हो या सांस्कृतिक रुका हुआ है और ऐसी स्थिति में हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं इसी प्रकार से इस परिस्थिति का निर्माण हम पिछले चौपन वर्षों से देख रहे हैं मंत्री महोदय ने यहाँ पर अभी कहा कि राष्ट्रपति इस काम को नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह उनके अधिकार के बाहर है आप राज्यों में राज्यपाल शासन स्थापित करते हैं जब यह देखते हैं कि किसी राज्य में वहां की व्यवस्था वहां का विकास ठीक नहीं हो रहा है जब किसी राज्य में गड़बड़ी फैल रही हो विकास का काम समाप्त हो गया हो और जिम्मेदारी से लोग काम न करते हों तो वहां पर राज्यपाल शासन स्थापित किया जाता है ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे देश में मौजूद हैं उसी प्रकार से हमारे राष्ट्रपति हैं और अगर देश में इस तरह की स्थिति वर्षों तक चले तो कोई कारण नहीं है आपात के रूप में राष्ट्रपति इस देश की सुरक्षा के लिए इस देश की उन्नति के लिए जिम्मेदारी अपने हाथ में न ले सकें हमारे भाइयों ने बहुत से उदाहरण दिए हैं कि राज्यों में संयुक्त सरकारें नहीं चलें लेकिन उसके पीछे राजनीतिक हथकंडे थे समाप्त